Girls over here, do you agree? यार पहले तो आपने एक्टिंग के भगवान से मेरे को कंपेयर कराया और क्या नाम ही लिया मेरे नाम के साथ, उसके लिए बहुत थैंक यू यार आपका। और धर्मेंद्र सर, आई थिंक वी कम फ्रॉम द सेम स्टेट और उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा है इंडियन सिनेमा को। और अगर आप कह रहे हो तो मैं ये बात 1% मान लेता हूँ, बट मैं उनके आसपास भी नहीं हूँ। मुझे उनकी दुआएं चाहिए, उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए। जितने भी इंडिया के सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने बहुत सारा काम करा लाइफ में, जिनको देख के हम सब ने एक सिनेमा को प्यार करना शुरू करा, उन सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए। बट एक बार अगर आपने धर्मेंद्र सर का नाम लिया तो मैं चाहता हूँ सब धर्मेंद्र सर के लिए शोर मचाओ एक बार। एवरीबॉडी started Sunny ji, Bobby sir, they continue here. Now it's you who's taking the legacy forward. Of course, one more question goes to both you and Sai as well. Ki I personally feel ki jo conversations hote hain about film background, non film background, etc., it's a very pointless conversation. Of course, Sai comes from a film background, but she's equally working hard. And aap non film background se, but aap log itne acche se mehnat karke kaam kar rahe ho, itna acha bonding mein hum log ne dekha tha, that rose wala moment was so cute. So do you also feel the same ki jo film background, non film wala background conversation is very pointless in today's time, because hard work aur mehnat jo hai wo utna hi lagta hai. Yeah, main to journey maine jab shuru kari to मुझे सिर्फ एक चीज़ थी कि मुझे टीवी पे आना है। वो मैंने पहले शुरू गाने से करा तो मैं गाने से टीवी पे आया, अब मेरा मूवीज़ का मन है तो मैं मूवीज से टीवी पे आ रहा हूँ। बट मुझे लगता है कि जो भी फिल्मी बैकग्राउंड से भी है, उनके भी मॉम डैड ने कभी ना कभी ऐसे ज़ीरो से शुरू करा होगा, उन्होंने भी कभी ना कभी ऐसा ड्रीम देखा होगा। अब आगे बच्चे हो गए तो सबके बच्चे होने ही, अब वो ये तो नहीं रोकेंगे अब मेरे बच्चे नहीं करने क्योंकि वो फिल्मी बैकग्राउंड से आ जाएंगे। बट मुझे लगता है कि जो भी दुनिया का इंसान सिंसियर एफर्ट कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, वो उसी को पता है, उसी की मेहनत है। और उसी उसकी मेहनत को रंग कब लगता है, जब ऑडियंस उसको प्यार करती है। तो जो किसी को भी, चाहे वो फिल्मी बैकग्राउंड से है या नहीं है, उसको अगर ऑडियंस प्यार दे रही है तो मतलब ही इज मेड इट। और आप लोगों का प्यार ही है तो आर्टिस्ट आगे बढ़ता है। हम चाहते हैं आप लोग सबको प्यार करो दुनिया में, बट हमें थोड़ा सा ज्यादा करो, हमें जरूरत है। view on this, I think it's about perspective. I think andar se jab hum as kids growing up, we don't realize the privilege we have, and we also do work hard, but probably there are people out there who are working just as hard or even harder. So it's about perspective. Bahar se aisa lagta hoga ki we get things easier, but I think it's just about acceptance. At the end of the day, there's somebody who's always working harder than you, so you have to keep putting in the work, and I think eventually that's what counts. And kudos to you, I think some really brave choices when it comes to film. So congratulations. Thank you. एक फिल्म में जाते हो तो एक न्यूकमर की तरह जाते हो, but with you now, audience as well as us from the media, we have a credibility कि अनुपम सर होगे तो पिक्चर अच्छी होगी। तो क्या कहीं ना कहीं आपको वो एक मूवी साइन करने के टाइम पे एक प्रेशर फील होता है? Because as I said, there's a credibility attached to your name. So this was the first film I signed after I had worked in US for 3 years. मैं US में था, न्यू एम्स्टर्डम सीरीज़ कर रहा था जो अब नेटफ्लिक्स पे काफ़ी लोगों ने देखा है। उसके बाद जब मैं आया था तो मैं वहाँ जाके मुझे लगा कि मुझे अब जो काम करना है, क्योंकि व्हेन यू आर वर्किंग फॉर द लास्ट 40 इयर्स एंड यू डू मोर देन 540 फिल्म्स, देन यू वांट टू मेक योर जॉब डिफिकल्ट, एंड द ओनली वे यू कैन मेक योर जॉब डिफिकल्ट इज बाय थिंकिंग दैट यू आर अ न्यू कमर। मेरे को ये वेटरन वगैरह का जो किताब है थोड़ा डरावना लगता है। दिस इज ऑल्सो world's way of telling you this is how we look at you. I want to look at myself in a completely different perspective. Of course, I bring in my experience, my love for the any film that I'm doing. But because earlier I was running fast nowhere, now I'm walking slowly somewhere. Wow. So that is, I think. I also have a question for producers Amit sir and Naveena ma'am. थैंक यू। मैं एक टीचर फ्रेंड थी, मैथ्स में टॉपर थी, तो मेरा बहुत अच्छा नाता था स्टडीज़ के साथ, पर एक्टिंग से प्यार हो गया, फिर क्या करें। मैं अनुपम साहब से भी पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से हमने देखा है कि उन्हें एक लव स्टोरी दिखाई गई है, क्या कुछ आपके रीजंस थे? आपने कहा स्क्रिप्ट तो वंडरफुल थी ही फॉर डूइंग दिस प्रोजेक्ट, और क्या कुछ रीजंस? आई थिंक द सब्जेक्ट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई थिंक इट्स द सब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट हैज कम Indian cinema, and I'm saying it with experience. Very good, and I must say one or two words about Ashok. I think he's very pleasant to work with.
what you may make a greatest film, but if the cast does not enjoy it during the making of the film, you don't have great memories. And I think it's important to make memories. So we made great memories. We don't meet very often, but whenever we meet, we meet with a great amount of love for each other, which we created. So subject bahut acha hai, aur khaskar jab I love working with newcomers. I love working with newcomers because they give their best. टेस्ट इनका आप शुरू होने वाला है। पहली फिल्म में जो भी इमोशन आप महसूस करते हो, आप वो इमोशन दिखाते हो, वही इमोशन दुनिया तक पहुंचती है और फिर पूरी जिंदगी निकल जाती है उस इमोशन को कैप्चर करने के लिए जो पहली फिल्म प्रॉब्लम इनके साथ अब आने वाली है। मेरे साथ प्रॉब्लम आने नहीं वाली क्योंकि मैं अनुपम सर को जानता हूँ। मैं जब भी कहीं पे रुकूंगा मैं सर आपके पास आ जाऊंगा और आपको टाइम देना ही पड़ेगा क्योंकि मैं आपके घुटने पकड़ के बैठ जाऊंगा। Nein, it's a great film. It's a good, I have not seen the trailer, but experience of the. तो मुझे trailer दिखा देना please. Is the backbone of the movie. So, is the back.